हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक तो पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 चैप्टर 10 और आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रो और कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, वहां पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए चैप्टर 10 और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा के बारे में। अब ये सरल रेखा क्या होती है ये समझ लेते हैं। सरल रेखा का मतलब है सीधी सीधी रेखा, ठीक है। अब सीधी रेखा के बारे में हमें जानना है तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि सीधी रेखा कैसी होगी। तो ये देखिए, ये एक सरल रेखा है। ये क्या है? ये एक सरल रेखा है जिसका नाम हम डाल सकते हैं ए बी। ए बी एक सरल रेखा है, इसी के बारे में हमें यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो ए बी अगर एक सरल रेखा है तो इसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। इसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास एक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये रेखा का समीकरण होता है। एक्स का गुणांक ए, वाई का गुणांक बी और अचर पद सी होता है। और कोई भी रेखा दो बिंदुओं से कम दो बिंदुओं से होकर जाती है, ठीक है। यानी कि हम दूसरी तरह से एक बात कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा खींचने के लिए हमको कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। अब ये तो हो गई रेखा के बारे में जानकारी, छोटी सी जानकारी। बाकी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट आपके सामने आते जाएंगे और मैं उन्हीं पॉइंट के द्वारा आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। आपने रेखा के बारे में जानकारी ले ली है, अब आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि कोई रेखा अक्षों के द्वारा अगर झुका हुआ है, जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने यहां पर बनाया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और कोई हमारी रेखा कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। और इस रेखा का जो धन एक्स अक्ष के साथ झुकाव होता है, धन एक्स अक्ष इस दिशा से धन एक्स अक्ष, धन एक्स अक्ष के साथ रेखा का जो झुकाव होता है, उसी के टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहां पर रेखा धन एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा बोल बना रही है। तो इसके टेंजेंट को हम प्रवणता कहते हैं। प्रवणता कहते हैं। और जो ये कोण बन रहा है इसको हम बोलते हैं धन एक्स अक्ष के साथ झुकाव, ठीक है, जिसको हम लोग ढाल भी बोल देते हैं। और ये भी कोण है परंतु इस कोण को हम नहीं लेते हैं, हम किधर से लेते हैं कोण को, धन एक्स अक्ष की ओर से लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवणता। तो प्रवणता को हम लोग
m से प्रदर्शित करते हैं, प्रवणता को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ छोटे छोटे फॉर्मूले प्रवणता के आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले हमने बताया है कि प्रवणता होता क्या है, और अब हम ये बताने जा रहे हैं कि प्रवणता के फॉर्मूले आपको कैसे प्राप्त होंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे। क्योंकि बच्चों को यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ एक ही दिक्कत होती है कि वो ये कहते हैं कि फॉर्मूले तो मुझे याद हैं, बट हम किसी क्वेश्चन में उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको फॉर्मूला लगाना है। तो पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं, जब हमको दो बिंदु ज्ञात हों, जब दो बिंदु ज्ञात हों, और वो बिंदु कौन कौन से हों ये भी हम आपको बता देते हैं। एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू। तो प्रवणता यानी m का फॉर्मूला आपके सामने बन जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये पहला फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्या जब रेखा धन एक्स अक्ष, धन एक्स अक्ष के साथ, जब रेखा धन एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए, यही लिख देते हैं, तो m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर tan थीटा। m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर tan थीटा, क्लियर। अगला लिखते हैं हम लोग, जब रेखा का समीकरण ज्ञात हो, और समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अगर ये समीकरण हमको ज्ञात है तो प्रवणता का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम बराबर माइनस ए बटे बी, एम बराबर माइनस ए बटे बी। ये हमारे पास तीसरा प्रवणता का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रवणता के जो तीन फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों फॉर्मूलों को हमको कैसे अप्लाई करना है। जब बिंदु दिए गए होंगे तब हम ये फॉर्मूला पहला वाला अप्लाई करेंगे, जब हमको कोण दिया गया होगा तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब हमको सरल रेखा का समीकरण दिया गया होगा तब हम तीसरा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर बना ली हैं, इनसे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पढ़ाने का मेथड ये रहता है, आप तो
हमारे पुराने छात्र रह चुके हैं, आप लोग हमारे वीडियो देखते रहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे लेकिन किसी भी क्वेश्चन को बिना कॉन्सेप्ट के आपको नहीं बताएंगे और सारे कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं बताएंगे। ये कुछ हमारे पढ़ाने का मेथड रहता है। इससे होता क्या है, सारे कॉन्सेप्ट अगर हम एक साथ बता देंगे तो वो आपके दिमाग में आ तो जाएंगे पर आपको कुछ अंतर समझ में नहीं आएगा और एक प्रकार का हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा इंट्रो भी था और ये मानकर चलिए कि पहला एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10A। तो एक्सरसाइज टेन ए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे डॉक्टर हर्षरूप की किताब से। कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखाओं की प्रत्येक प्रतिबंध के अनुसार प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता ज्ञात करनी है और हमको क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं ए कॉमा बी और दूसरा बिंदु दे रखा है ए सेक स्क्वायर अल्फा कॉमा बी कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ये हमको दो बिंदु दे रखे हैं, प्रवणता हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं अपनी हिंट के लिए कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, क्योंकि m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर देते हैं b cosec स्क्वायर अल्फा माइनस y1 की वैल्यू b है बटे x2 का मान ये लिखा हुआ है a sec स्क्वायर अल्फा माइनस y1 का मान a है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से b कॉमन आ रहा है और बचा क्या कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन बटे ए सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पार्टीशन डाल देते हैं, इधर ही साइड में आपको बता देंगे। b cosec स्क्वायर अल्फा माइनस वन जिसको हम क्या लिख सकते हैं b cot स्क्वायर अल्फा। त्रिकोणमिति में cosec स्क्वायर अल्फा माइनस वन को हम लोगों ने याद कर रखा है, cot स्क्वायर अल्फा होता है। a sec स्क्वायर अल्फा माइनस वन को हम लोग क्या लिखेंगे tan स्क्वायर अल्फा। अब हम इसको लिख सकते हैं b बटे a, जो नीचे वाला टेन है अगर हम इसको ऊपर भेज दें, नीचे वाले टेन को ऊपर भेज दें तो क्या बन जाएगा कॉट की घात चार अल्फा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा बी बटे ए कॉट की घात चार अल्फा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के ए पार्ट को लगा लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो यहीं से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग फिर आगे भूल जाते हैं हर एक चीज़। और पहले के सारे पार्ट हम आपको छोड़ देते हैं, आप उनको लगा लेंगे, ठीक है। चलिए पहले का बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट, ये तीन क्वेश्चन हैं, ये आप अपने आप लगा सकते हैं। फिलहाल हम डी पार्ट बता देते हैं। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में दो कॉमा चार
-3.5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू पता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगाएंगे प्रवणता का, कि चूंकि m बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू की वैल्यू कितनी है 5, वाई वन की वैल्यू है 4 -3 -2, 5 में से 4 जाएगा 1, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5। तो ये इसकी प्रवणता आ गई। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, फिलहाल तो हम ये छोड़ने वाले थे पर हमने बता दिया आपको। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। उन रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिनका एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से झुकाव निम्नवत है। यानी ए पार्ट में हमको थीटा दे रखा है, हम पढ़ा रहे हैं, अंदर बातें करो जाके। थीटा बराबर 45 डिग्री। तो अब हम यहां से प्रवणता निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि एम बराबर टेन थीटा, टेन 45 डिग्री, और टेन 45 का मान 1 होता है, तो प्रवणता कितनी आ गई, प्रवणता आ गई 1। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगाते हैं। चलिए इसके और पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट भी देख लेते हैं। थीटा का मान कितना दे रखा है, 150 डिग्री। तुरंत हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि m बराबर टेन 150 डिग्री, 150 डिग्री का फार्मूला होता है टेन, पहले तो हम तोड़ेंगे इसको 90+60 में, 150 को 90+60 लिखकर तोड़ लेंगे, तो ये बन जाएगा दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में टेन होता है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगाकर कॉट 60 लिख देंगे, और कॉट 60 का मान होता है 1/√3, तो माइनस लगा हुआ है और 1/√3। तो ये आ गया दूसरे क्वेश्चन में प्रवणता। सी पार्ट और बता देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए वो नया है, फिर हम लोग चल देंगे आगे की ओर। तो सी पार्ट में क्या कह रहा है, थीटा का मान दे रखा है टेन इनवर्स 2/3, टेन इनवर्स 2/3, और प्रवणता हमको निकालना है, तो प्रवणता का फार्मूला होता है चूंकि एम बराबर टेन थीटा, ये फार्मूला होता है, तो टेन आप ऐसे लिखा रहने दीजिए और थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन इनवर्स 2/3, टेन और टेन इनवर्स छूट जाते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। तो ये बन जाएगा हमारा थीटा की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग दूसरे के सी पार्ट को हल कर सकते हैं। बाकी डी ई एफ आप अपने आप लगा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप अपने आप लगाया करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आप बढ़िया तरीके से सीखेंगे। सारे क्वेश्चन नकल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम बच्चों को होमवर्क देते हैं तो बच्चे यूट्यूब से नकल कर लेते हैं,
जो बिल्कुल गलत है। ये आपकी नॉलेज के लिए पढ़ाया जा रहा है, होमवर्क करने के लिए नहीं। तो प्रश्न नंबर 3, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिनके शीर्ष -4.5, 0.7, 5.-5 और -4.-2 हैं। इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हाई स्कूल का क्वेश्चन है, बता देते हैं, चित्र भी बनाएंगे, आपको समझाएंगे भी, समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स अक्ष वगैरह वगैरह बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, इतना काफी है। और हम लेते हैं बिंदु पहला, पहला बिंदु ले रहे हैं -4.5, -4.5 ये लिख लिया हमने, और यहाँ पर बिंदु बनाते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे एक्स अक्ष पर -4 और वाई पर चलेंगे 5। तो एक्स पर -4 चल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, ये एक्स अक्ष पर -4 चल दिए हैं। वाई पर चलेंगे 5, इतनी दूरी लेकर 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5वां। तो ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया -4.5। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट में दिख रहा है 0.7, 0.7। तो एक्स अक्ष पर चलेंगे 0, वाई पर चलेंगे 7। तो देखिए, ये 5 बिंदु था, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, तो ये 7 पहुंचा देगा हमको। 5 के बाद ये 6 और ये रहा हमारे पास 7। देखिए, सीखना है, समझना है, ठीक है। ये हमारा 7वां लास्ट वाला पॉइंट है, 0.7। ये यहाँ लिख दिया हमने ए और ये यहाँ लिख दिया हमने बी। अब सी, सी लिख लेते हैं। सी का निर्देशांक दिया गया है 5.-5, 5.-5, अर्थात पहले 5 इधर चलेंगे एक्स अक्ष पर, 1, 2, देखिए यहाँ पर हैं हम लोग एक्स अक्ष पर चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एक्स अक्ष पर 5 चल दिए। और अब चलेंगे नीचे की तरफ -5, 1, 2, 3, 4 और ये रहा -5। तो ये बिंदु आ गया सी। अगला है डी बिंदु, क्या -4.-2, -4.-2, यानी एक्स पर चलेंगे -4 और वाई पर चले -2। तो एक्स पर चले -4, कहाँ पर चले देखिए, ये देखिए, 1, 2, 3, 4। अब नीचे चलेंगे कितना, 1 और -2, तो लगभग यहाँ पर बिंदु आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया बिंदु डी। अब हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज का निर्माण कर लेंगे। यहाँ से एक चतुर्भुज खींचेंगे ऐसे, इसको मिलाएंगे सी से, इसको मिलाएंगे डी से, और इसको मिलाएंगे ए से। तो ये ए बी सी डी हमारा चतुर्भुज बन गया, जिसके निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं तो देखने में ठीक लगेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। -4.5, बी का निर्देशांक होता है 0.7, सी का निर्देशांक होता है 5.-5 और डी का निर्देशांक होता है -4.-2। ठीक
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, दो भागों में कैसे डिवाइड करेंगे, किसी एक विकर्ण को खींचकर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक विकर्ण खींच लीजिए, कोई भी एक विकर्ण खींच लीजिए, डी बी खींच लेते हैं। चलिए डी बी खींच लिया। डी बी खींचने के बाद तो हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज बन जाएंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या रहेगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब त्रिभुज ABD में आपने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख लेने हैं ताकि गलती किसी प्रकार की ना हो। तो आप x1 लिख लीजिए, x2 लिख लीजिए और x3 लिख लीजिए। तो ABD ले रहे हैं, x1 का मान है -4, x2 का मान है 0, x3 का मान है -4। y1 ले लेते हैं, y1 का मान है 5, y2 का मान है 7 और y3 का मान है -2। देखिए यहाँ से उठा रहे हैं, आपको बता देते हैं, ये x1 y1 है a, b जो है x2 y2 है और d जो है वो x3 y3 है, ठीक है। यहाँ से बिंदु उठाते हैं हम लोग। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं वैल्यू पुट करके। 1/2 x1 का मान -4 है, y2 का मान 7 माइनस y3 का मान -2 प्लस x2 का मान 0 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा 0 हो जाएगा। x3 का मान -4, y1 का मान 5 है माइनस y2 का मान 7 है। अब क्या करेंगे, 1/2 और 7 2 9, 9 चौक 36, माइनस का 36 आ जाएगा। कैसे, देखिए फिर से 7 2 9 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 में से 7 गए, माइनस का 2 और -4 प्लस का 8 हो जाएगा। तो 36 में से 8 घटा लेंगे तो माइनस का 28/2, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 14 मात्रक स्क्वायर। तो ये तो अभी हम लोगों ने केवल ए बी डी का क्षेत्रफल निकाला है, अब बारी किसकी आई है, बी सी डी की। किसकी बारी आई है, बी सी डी के, ठीक है। तो त्रिभुज लिखेंगे, क्या लिखेंगे नीचे देखिए, त्रिभुज बी सी डी में ठीक है। तो बी सी डी में हम लोग पहले बिंदु लिखने जा रहे हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3, बी सी डी लेना है। b 0,7 है यानी x1 का मान 0 है,
और वाई वन का मान 7 है। अगर आपको दिख नहीं रहा है, छिप रहा हो, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा सही से। और एक्स टू का मान कितना है, बी सी सी उठाइए, ये एक्स टू और वाई टू हैं, 5-5। एक्स थ्री का मान -4 और वाई थ्री का मान -2। अब हमको चित्र से कुछ भी लेना देना नहीं है, अब हम क्या करते हैं, इसको खिसका के ऊपर भेज देते हैं बस, और लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला बनता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फार्मूला बन जाता है। और वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, क्या x1 का मान है 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस x2 का मान है 5 तो यहाँ लिखा 5, और y3 का मान है -2 तो यहाँ लिख देते हैं -2 माइनस, y1 का मान है 7 तो यहाँ लिख देते हैं 7, प्लस x3 का मान -4 है, y1 का मान 7 माइनस, y2 का मान -5 माइनस माइनस +5। तो 1/2, 7 2 सॉरी 7 2 9 25 45, माइनस का 45 माइनस, 7 5 12, 12 4 48। इधर साइड में लगाते हैं, देखिए ध्यान से, इधर लगा रहे हैं, ऊपर आइए यहाँ पर, और 48 और 45 ये हो जाएंगे 93, 1/2 × 93। देखिए माइनस हम लोगों ने पहले भी छोड़ दिया था, यहाँ पर भी छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो जब 93 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 46.5 मात्रक स्क्वायर। अब लिखेंगे तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जो 2 भागों में बांटा था वही लिख दीजिए, प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आया था, 14। और इसका आया 46.5, तो 46 4 50 10 60, 60.5 मात्रक स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे ब्लॉग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।